नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित एक घर के स्टोर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अमृतसर में दिवाली के मद्देनजर फूड सप्लाई टीम ने अलग अलग जगहों पर की रेड, शिकायत के आधार पर मिठाइयों के भरे 5 सैंपल। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित एक घर के स्टोर में भयानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना देकर मौके पर बुलाया। दमकल विभाग ने दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। तो वहीं मार्केट प्रधान दुग्गल ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ वे भी मौके पर पहुंचे और परिवार को बाहर सुरक्षित निकालकर आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मी नरेश कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए और दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं लग पाया है, लेकिन स्टोर का काफी सामान जलकर राख हो गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला ऐसा सीगा कि समा सीगा तकरीबन शाम 7:10-15 का समा सीगा, जो कि देखिया मार्केट के विचों बड़ी तेज़ फायर ब्रिगेड दी गड्डियां निकलिया, तो उन्होंने पिछे आन के एक्टिवा उत्ते उन्होंने पूछा कितने हो, कहते 554 एल हैगा आ। तो असं क्या कि वो नियोजियम के लागे हैगा आ, तो गलिया गलिया उन्होंने बड़ी मकसद मशक्कत जो गड्डिया कड़िया, जो ये घर के लागे पहुँचे है ने, जो कि डिवीजन नंबर 6 तो भी इंस्पैक्टर साहब वगैरह पहुँच चुके जी सारे, तो पब्लिक ने तो फायर ब्रिगेड की मदद के नाल जो कि इन्हों के घर मंदिर के जोत जगती पई सी, तो जोत जगने हो सकता कि कोई चीज़ इदा की कोई जिद अग लग गई है। अग लगन के नाल यह कि जो अंदर अलमारियां वगैरह पे स्टोर के उन्होंने अग लगी है, तो पर जानी जरा नुकसान है, परमात्मा ने कृपा की किसी को कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं हुई और सारे जो घर आ इन्हों धुएं के नाल ही भर गया सी, ठीक है। और मैं फायर ब्रिगेड का और मैं इलाका निवासियों का धन्यवाद करता जिन्हें मौके पर पहुँच के उत्थे अग न बचा लिया। मामला किसी सर, मेरा नाम नरेश कुमार, लीडिंग फायरमैन है जी। सानू 7:05 से इतलाह आई कि मॉडल टाउन डाकखाने वाली गली के बिच अग लगी है। असी तुरंत दो गड्डियां कढ के अग वाली जगह से रवाना हो गए। जाके देखिया अग स्टोर के बिच सी, अग अलमारी नू कपड़ा लीड़ा उन्हां दा जो स्टोर का समान सीगा वह सड़ के सुआह हो गया। सर मालका ने कोई गलबात हुई, मालका ने की दसिया? मालक यही दसदे अंदर मंदिर बनाया सीगा, मंदिर कारण अग लग। कोई घर दे विच उदों सीगा सर? घर दे विच उहने बच्चे होणे आ। अमृतसर में दीपावली को मद्देनजर रखते हुए फूड सप्लाई अधिकारी की ओर से अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। वहीं अधिकारियों की ओर से दुकानदारों और डेयरी वालों को अपील की गई है कि दीपावली के मद्देनजर जहां लोगों ने अपने रिश्तेदारों व पारिवारिक सदस्यों को मिठाई देनी होती है, लेकिन कुछ दुकानदार चंद पैसों की खातिर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, वे ऐसा ना करें। इस दौरान फूड सेफ्टी टीम के ACF राजेंद्र पाल और FSO अमनदीप सिंह ने मिठाइयों के 5 सैंपल भरे। इस दौरान उनकी ओर से 50 किलो रसगुल्ले और लगभग 10 किलो गुलाब जामुन नष्ट करवाए गए, क्योंकि उनमें कीड़े थे। तो वहीं एक मिठाई की दुकान का चालान भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और जो भी सानू हिदायतां जारी कीतियां गई हैं असीं उन्हां दी पालना करांगे और अगे तो असीं जो कलरफुल रंग है गुलाबी उहदी भी वरतों करांगे, जो भी आ असीं साफ सफाई नाल सारा सौदा तैयार करांगे। मिलावट के उत्ते जिहड़ी साडी पंजाब सरकार वल्लों विधि केंद्र उसकी लड़ी तो अगे तोड़दे हुए और इहदे सामने जो बंब स्वीट्स है ये दोनों इक्को ही स्वीट्स दे मालक कीती गई है और इनकी वर्कशॉप की चैकिंग कीती गई है। वर्कशॉप के उपर बहुत ही गंदगी भरिया माहौल से, मक्खियाँ मच्छर से और इन वालों एक गुलाबी रंग की चमचम जी तैयार की गई थी, जो कि अंतर विकट कलर तो तैयार की जा रही थी। लगभग 50 किलो के करीब असी जो है चमचम डिस्ट्रॉय कर दिता है
और कोई सैंपल लै रहे हैं और ना ही असं जो सैंपल बायोग्राफी का लै रहे हैं। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर हदायत की गई है कि वह जिन्हें भी अपनी मिठाई है इन साफ सुथरे माहौल बनाया जाए। जालंधर वेस्ट क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पार्षद व कांग्रेसी नेतागण एडिशनल कमिश्नर शिखा भगत से मिले। ब्लॉक प्रधान हरीश ढल की देखरेख में शिखा भगत को दिए मांग पत्र में उन्होंने कहा कि इलाके में सीवरेज जाम, सफाई व्यवस्था, पेयजल किल्लत की समस्या को हल किया जाए ताकि इससे जनता को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोशनी का पर्व दीपावली त्यौहार चल रहा है लेकिन वेस्ट क्षेत्र में पड़ते वार्डों की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए उनकी मांग है कि दीपावली से पहले स्ट्रीट लाइट ठीक करवाई जाए जिससे जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में शिखा भगत ने कहा कि जल्द ही जालंधर में 6000 के करीब नई स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं और पुरानी लाइटों को भी ठीक करवाया जा रहा है। इसके अलावा सीवरेज जाम व गंदे पेयजल की समस्या को भी हल करवाया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वैसे इश्यूज मेनली सिगे कि स्ट्रीट लाइट्स जगह बंद पईयां हुईयां, सीवरेज की प्रॉब्लम है एंड कूड़े की लिफ्टिंग का इशू हैगा। सो कंसर्न नू डायरेक्ट कर दिता है। स्ट्रीट लाइट्स का नवा टेंडर ओपन हो चुका है। सो जिते जिते प्रॉब्लम्स है वो लाइट्स जगह उन्होंने ठीक किया जाएगा। तो जो सीवरेज का इशू है पहला ठीक किया गया सी, दोबारा तो राइज होया है। सो भी जल्दी ठीक करवा दे। जालंधर के गुरु नानकपुरा वेस्ट स्थित फनलैंड पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जूनियर विंग के समारोह में विधायक रमन अरोड़ा एवं सीनियर विंग के समारोह में डीबीएड के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव नवल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल नीलम सलवान, प्रेसिडेंट रिटायर्ड कर्नल एसके सलवान, अध्यापिका निकी भास्कर गार्गी सलवान, स्कूल प्रबंधक कमेटी सदस्यों एवं समूह स्टाफ द्वारा आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक रमन अरोड़ा द्वारा 200 विद्यार्थियों को बैडमिंटन रैकेट्स उपहार के तौर पर दिए गए तो वहीं छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। अंत में शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अगर सेकेंड ऑनवर्ड्स फर्स्ट ऑनवर्ड्स बच्चे को आजकल
करती है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो हाथ में हम पकड़ाते थे उसके मोबाइल फोन कि हमारी जान ना खाइए आप बच्चों को दे देते मोबाइल फोन। 13-13 हट्टी और लॉयंस क्लब जालंधर ईस्ट ने दीपावली के अवसर पर सरकारी कन्या स्मार्ट स्कूल गांधीनगर जालंधर में स्कूल की छात्राओं को कॉपियां और पेन आदि देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर 13-13 हट्टी के मुख्य सेवादार तरविंदर सिंह रिंकू, मनदीप कौर, हरतरमन सिंह और लॉयंस क्लब की प्रधान सुनीता खन्ना, लॉयंस प्रिंस वर्मा, टीएन लामा, किरण लामा, कुसुम धीर, अनु बेरी, सरबजीत सिंह, संदीप कौर सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए और बच्चों को दीपावली के गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल वरिंदर सिंह ने स्कूल के बच्चों की प्राप्तियों के बारे में जानकारी दी और स्कूल स्टाफ सदस्य मैडम प्रियंका और मैडम सतेंद्र कौर ने इस कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया। वितरण समारोह के पश्चात स्कूल प्रिंसिपल ने दोनों संस्थाओं का आभार भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। दिवाली की बहुत बहुत बधाई। अज असी दिवाली मनाने का एक नवा तरीका लगाया। मेरे लॉयंस क्लब का सारा परिवार तो प्रिंसीपल स्कूल सर नाल खड़े ने। अज असी एक सरकारी स्कूल के आए हैं। इस स्कूल का नाम तो नहीं दसांगे, जो कि सू लगता नाम दस के नाल बच्चे हीन भावना की प्रॉब्लम आएगी। असं यह चाहते हैं कि लॉयंस क्लब के 13-13 हट्टी के स्कूल संगत की ऐदा ही सेवा करते रहे। असी 13-13 हट्टी वाले किसी को डोनेशन नहीं लेंगे, बस एक जरिया दसिया होया वै कि तुम लॉयंस क्लब वाले या कोई भी सोसायटी हो जाके मिलाई दा कि गुरु साहब ने साडे कृपा की इन दोनों परिवारों बनवाने वास्ते तैयार साढ़े लॉयंस क्लब के मैंबर हैं। तुम इन्हों की गलबात कर सकते हो। जिहड़ा अज का प्रोजेक्ट है, सब तो पहले तो मैं इस वास्ते दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना और दूसरा जिहड़ा असी ये अज जिहड़ा इत्थे प्रोजेक्ट किया है वो समझ लो कि मैं ये नहीं कह रहा कि असी इहदा कोई बेनीफिट लेना, बल्कि इहदे विच सानू यह है कि असी जिस तरह भी हैगा आ इहदे वास्ते असी मैं थैंक्स ही करूँगा कि जिहड़ा कि अज सानू इस प्रोजेक्ट करन दा मौका मिलिया। तो इहदा सबका नाल ही मैं सारिआं नूं बहुत बहुत प्यार ते सति श्री अकाल। दीपावली के बहुत ही शुभ अवसर पर असी बहुत अज माण तो खुशी महसूस कर रहे हैं कि 13-13 क्लब की बदौलत लॉयंस क्लब के मैंबर साहबान हैं। इन्हों प्यारे बच्चों एक बहुत ही वधिया सुनेहा कि दिवाली मनाने का जिहड़ा सब तो वधिया साधन है कि उन्होंने को कापियां और पेन दे के एक ग्रीन और शुभ दिवाली मनाने वास्ते आशीर्वाद देन आए हैं। मैं इन्हों सारिआं दा मेरे स्कूल पहुँचने बहुत बहुत जी आयां भी आखदा हाँ कि धन्यवाद भी आखदा कहना कि बहुत ही एक वधिया उपराला एक बहुत वधिया तरीका आ इस शुभ दिवस में इस दिवाली में मनाउण दा इस स्कूल विच पहुँचने ते सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। कमेटी के चुनावों को लेकर तीसरी बार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को शिरोमणि कमेटी का प्रधान चुना गया। इस संबंधी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिरोमणि कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने पूरी लीडरशिप अकाली दल और सुखबीर बादल का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिन्होंने उन पर विश्वास प्रकट किया है, वे उनका आभार व्यक्त करते हैं और वे पूरा यत्न करेंगे कि उनके भरोसे पर खरा उतरें। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बंदी सिंहों की रिहाई का है और शिरोमणि कमेटी उनकी रिहाई के लिए और उनकी सजाएं कम करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर हरभजन सिंह मसाना को सीनियर उप प्रधान, गुरबख्श सिंह खालसा को जूनियर उप प्रधान, भाई राजेंद्र सिंह मेहता को जनरल सचिव चुना गया, जबकि अतरिंग कमेटी के सदस्य सोहन सिंह बंगी, रघुवीर सिंह सहार माचरा, जमशेर सिंह राछड़ू, खुशविंदर सिंह भाटिया, बीबी हरदीप कौर खोक, इंद्र मोहन सिंह, गुरप्रीत सिंह, बीबी मलकीत कौर,
अमरजीत सिंह बीबी जसपाल कौर और जसवंत सिंह पुड़ेन को चुना गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। धन्यवाद या धन धन गुरु रामदास पातशाह जी का धन्यवाद या धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का और उन्हां दा श्रोमणी अकाली दल दे समुचे सीनियर आगू ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल और समुचा हाउस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्हां ने मेरे ते भरोसा प्रगट किया ते मैं जतन भी करूंगा कि इन्हां दा भरोसा जिहड़ा आ इस भरोसे दे उत्ते पूरा भी उतरां क्योंकि जिहड़ा आउंदा समां आ ओ समां जिहड़ा उहदे विच चुनौतियां भी बहुत आ चुनौतियां इस करके कि आउंदा समां बड़ा जिहड़ा उह इलैक्शनां आ जाणियां ते अज मैं देखदा चाहे केंद्र दी सरकार आ चाहे पंजाब दी सरकार आ जिहड़ा वोटां दा हुण बनाउण दा प्रोसैस शुरू कीता गया सी इस प्रोसैस दे विच सरकारी दखलंदाजी वड्डे पद्धर ते हो रही है और इहदे पिछे एक मंतव लुकिया आ उह मंतव आ कि सिख पंजाब दे विच वोटां घट जे रजिस्ट्रेशन होगी ते कहणगे जी पंजाब दे सिख दा चाहे छड विदेशां नूं चल गया ते चाहे शायद कन्वर्जन हो गई सो इहदे पिछे एक बड़ा लुकमा एजेंडा आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਅਰਬੰਤ ਮੇ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਮੇ ਲੱਗੀ भीषण आग। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अमृतसर में दिवाली के मद्देनजर फूड सप्लाई टीम ने अलग अलग जगहों पर की रेड। शिकायत के आधार पर मिठाइयों के भरे 5 सैंपल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।